हे गाइस, मेरा नाम है सचिन निगम और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक विडो के प्लॉट के बारे में। मतलब क्या होने वाला है ब्लैक विडो मूवी के अंदर, काली विधवा के प्लॉट के अंदर क्या होने वाला है, सब कुछ बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में। तो इंटरेस्टेड है तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। मैं हूँ सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन द वीडियो। तो गाइस, ये प्लॉट को शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लॉट है वो इंटरनेट पर आते ही रहते हैं, लेकिन कभी ना कभी 4chan पे या फिर रेडिट पे एक ऐसा प्लॉट लीक आ जाता है जो कि बिल्कुल सच निकलता है। और अभी तो हम ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर कितनी सच्चाई है, बट फिर भी मेरे हिसाब से 70-80% सच हो सकता है। तो ध्यान रखना है कि थोड़े से स्पॉयलर्स हो सकते हैं इस प्लॉट लीक के अंदर। अगर आपको डर लगता है स्पॉयलर्स से तो ये वीडियो यहीं पे क्लोज करके जा सकते हैं और मेरी कोई और वीडियो एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन सबसे कोई डर नहीं लगता और सिर्फ आप एंजॉय करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं ब्लैक विडो की स्टोरी के बारे में, तो अब हम शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट कहता है इस लीक का कि नताशा इज हाइडिंग इन क्लीवलैंड आफ्टर बिट्रेइंग द अकॉर्ड्स। 2016 के सिविल वॉर के बाद में नताशा रोमानोफ ने जब मना कर दिया था अकॉर्ड्स को मारने से, उसके बाद से वो भागने लग गई थी। और यहाँ पर पहला पॉइंट ये कहता है कि नताशा हाइड हो रही है क्लीवलैंड के अंदर। क्लीवलैंड एक जगह है अमेरिका में, वहाँ पर वो हाइड कर रही है। एंड उसके बाद ये पॉइंट कहता है शी इज अटैक्ड बाय अनदर ब्लैक विडो बट मैनेजेस टू किल हर एंड स्टील हर कम्युनिकेटर। यानी जब वो छुप रही होती है क्लीवलैंड के अंदर, वहाँ पर एक अदर ब्लैक विडो यानी कोई और ब्लैक विडो आती है जो कि उस पर अटैक करती है, लेकिन हमारी नताशा इतनी चालाक है कि वो उसको मार देती है और उसका कम्युनिकेटर चुरा लेती है। हर हाइड आउट इज कॉम्प्रोमाइज्ड एंड शी हैज़ टू फ्ली फ्रॉम द अथॉरिटीज़। लेकिन जब वो ये सब मारने लगती है तो जिसका हाइड आउट का जो प्लेस होता है जहाँ पे वो छुप रही होती है, वो लोगों को पता चल जाता है कि वो वहाँ पे है, तो वहाँ पे वो नहीं छुप सकती और उसको फिर जितने भी सारे के सारे पुलिस फोर्सेज हैं और अथॉरिटीज़ हैं जो उसका पीछा कर रही हैं, उन सबसे भागना पड़ता है। अगला पॉइंट आता है टास्क मास्टर एम्बिशियस हर एट द ब्रिज बट नैट मैनेजेस टू एस्केप। टास्क मास्टर हमें देखने को मिलता है मूवी की शुरुआत में ही, जो कि नैट पर हमला करता है, लेकिन वहां से हमें नैट यानी कि नताशा रोमानोफ भाग जाती है, ब्लैक विडो भाग जाती है और एस्केप कर लेती है। नैट विजिट्स हर ओल्ड फ्रेंड मेसन एन एक्स शील्ड एजेंट टू हेल्प डिक्रिप्ट इन द कम्युनिकेटर। अब नताशा रोमानोव जो है अपने पुराने फ्रेंड को मिलती है जाके, जिसका नाम है मेसन। अब ये मेसन का कैरेक्टर जो है गाइज, ये कहा जा रहा है कि ब्लैक विडो मूवी के अंदर यही टास्क मास्टर हो सकता है। हालांकि मैं इस बात पे बिलीव करता भी हूँ, नहीं भी करता हूँ, मेरे को कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि मूवी के अंदर दो टास्क मास्टर होने वाले हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए मेरी आई बटन पर वीडियो है, वहाँ पर जाके देख लेना। तो वो मिलती है अपनी फ्रेंड मेसन से, तो वो चाहती है क्या काम करना, जो कम्युनिकेटर उसको दूसरी ब्लैक विडो से मिला था उसको डिक्रिप्ट करना चाहती है, और जो मेसन है वो एक शील्ड का एजेंट है या फिर शील्ड का एजेंट था और वो उसकी मदद करेगा। इट रिवील्स दैट हर सिस्टर येलेना इज बीइंग टारगेटेड सीक्रेटली रॉस एंड द मैन ट्रैक नेट डाउन। अब यहाँ पर पता चलता है कि जो उसकी बहन है, जो मुंह बोली बहन है यानी कि येलेना, जो कि हमें पता है फ्लोरेंस प्यू का कैरेक्टर है, छोटी ब्लैक विडो में कह सकते हैं, वो भी टारगेट की जा रही है। और जो रॉस है यानी जो हमारे जनरल रॉस है, वो और उसके आदमी ब्लैक विडो के और हमारे जो फ्लोरेंस प्यू का कैरेक्टर है येलेना का, उसके पीछे पड़े हुए हैं। हमें देखने को मिलता है एक सीन जिसमें मेसन डिस्ट्रैक्ट करता है रॉस को ताकि जो नैट है यानी नताशा रोमानोफ है वो भाग सके। तो मेसन का कैरेक्टर जो है अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि शायद वो नताशा रोमानोफ की मदद कर रहा है, इस पॉइंट के अंदर तो यही बताया गया है। इसके बाद हम देख सकते हैं नताशा जो है वो बूढ़ा पास जाती है और ढूंढती है येलेना को, और फटाफट से वहाँ पे हम देखते हैं उनका रीयूनियन होता हुआ। अब ऑब्वियसली आपको पता ही है टीवी के अंदर और हमने टीवी शो के अंदर जो भी क्लिप्स आई हैं या फिर जितनी भी मूवी की क्लिप आई है, ट्रेलर आए, उनके अंदर देखा भी है कि इन दोनों की फाइट होती है। अगला पॉइंट यही कहता है येलेना को ऐसा लगता है कि नताशा वहाँ पे पहुँची है उसको मारने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली नताशा के अलावा येलेना पर भी हमला हुआ था दूसरी ब्लैक विडो की तरफ से। तो वहाँ पर येलेना को लगता है कि नताशा ही मुझे मारना ही है, दोनों की फाइट होती है। बट उसके बाद में उनको पता चलता है कि दोनों एक ही पर्पस के लिए काम कर रहे हैं और उनकी फाइट जो है वो खत्म हो जाती है। टास्क मास्टर और मोर ब्लैक विडो अटैक कार चेस नैट एंड येलेना फ्ली एंड हाइड। टास्क मास्टर और दूसरी ब्लैक विडो फटाफट से आती है, दोनों के ऊपर अटैक करती हैं। कार चेज होता है बहुत ही अच्छा, जो कि हमने ट्रेलर के अंदर भी देखा हुआ है। वहाँ से नेट और येलेना यानी कि ब्लैक विडो की छोटी मुंह बोली बहन भाग जाती है और हाइड कर लेती हैं। येलेना ब्लैक विडो को बताती है कि किसी ने रीएक्टिवेट कर दिया है रेड रूम को अंदर, और जो सुपर असासिंस है उनको बनावट बनाया जा रहा है। ये बात हम ऑलरेडी पता है कि रेड रूम वो जगह है जहाँ पर ब्लैक विडो की ट्रेनिंग होती थी या फिर ब्लैक विडो को बनाया जाता था। तो येलेना ब्लैक विडो को यानी कि हमारी नताशा को ये बताती है कि जो रेड रूम है उनको दोबारा से चालू कर दिया गया है, किसी ने चालू किया है और वो सुपर असासिंस बना रहे हैं, और असासिंस बनाने के बाद में उनको बेचेंगे वो। तो ये अभी काम हो रहा है वहाँ पर।
उसके बाद येलेना एक बात बता दी है कि जो डायरेक्टर्स है वो नई ब्लैक विडो को ब्रेन वॉश कर रहा है, और वहाँ से सारी की सारी जो ब्लैक विडो उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, वो सिर्फ अपने ऑर्डर्स को मान रही है। लेकिन वो एक किसी ऐसे पर्सन के बारे में बताती है जो कि रेड रूम का डायरेक्टर है, लेकिन उसका नाम किसी को भी नहीं पता। वो एक ऐसे सीरम का इस्तेमाल कर रहा है, एक तरह का सुपर सोल्जर सीरम का इस्तेमाल कर रहा है, जिससे सारी की सारी ब्लैक विडो को ब्रेन वॉश किया जा सकता है। वहाँ से येलेना ने भाग कर सबके अपनी जान बचा ली, और उसने बताया कि किस तरह से मैं भी वहाँ से भागी थी। टास्क मास्टर जो कि अभी काम कर रहा है हमारा, एक तरह से पीछे से होके वो आता है और सारे के सारे कॉम्बैट होता है और किसी तरह से उनको लड़ाई होती है। तब हमें पता चलता है कि टास्क मास्टर एक्चुअली में एक नई एनहांसिंग टेक्नोलॉजी के साथ बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, जो कि इंस्पायर्ड है थोड़ी थोड़ी आयरन मैन की टेक्नोलॉजी से। ये जो टेक्नोलॉजी है ये उसको अलाउ करती है सारे के सारे कॉम्बैट करने में और साथ साथ मूव कॉपी करने में। हमें पता है कि टास्क मास्टर की एक पावर है, जो कि इसकी फेमस पावर है, वो ये है कि वह एनिमी के मूव्स को कॉपी कर लेता है। तो हमें पता चलता है कि टास्क मास्टर के पास ये टैग आ रखा है जिससे वो सबके मूव जो है वो कॉपी कर सकता है। उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर हमें एक सीन दिखाया जाता है कि येलेना बताती है, मलीना भी है एक पुरानी जो ब्लैक विडो है, जो मलीना शास्त्री का कैरेक्टर है, वो भी इस रेड रूम के अंदर है और उसने भी मना कर दिया था नए डायरेक्टर्स के अंडर काम करने में, तो वो भी हमारी मदद कर सकती है। दे एस्केप टुगेदर बट वर सेपरेटेड बाय टास्क मास्टर नेट कॉन्टैक्ट मिशन हु लोकेट्स मलीना इन मोरक्को। अब यहाँ पर होता है कि दोनों के ऊपर दोबारा से अटैक होता है टास्क मास्टर का, लेकिन नैट जो है वो कॉन्टैक्ट करते ही वापस अपने फ्रेंड मेसन को, जो कि बताता है कि जो मलीना शास्त्रिकॉफ है वो मोरक्को के अंदर है और वहाँ पर तुम उनको जाके मिल सकते हो। मेसन ऑल्सो पुल्स अप द रैक्स ऑफ टास्क मास्टर एंड एलीट मक नेम एंथनी मास्टर्स। मेसन जो है वो ये बताता है दोनों ब्लैक विडो को कि एक पुराना कैरेक्टर है जिसका नाम है एंथनी मास्टर्स, यानी कि टोनी मास्टर्स, हमने कॉमिक्स के अंदर भी जाना है इस बारे में, वो है टास्क मास्टर्स के सारे रिकॉर्ड निकालकर वो सामने रख देता है। नैट और येलेना मीट करती हैं मलीना से, यानी जो छोटी दोनों बहनें हैं वो एक तरह की उनकी माँ है मुंह बोली, मलीना शास्त्रिकॉफ उनसे मिलती है और वो उनको बताती है कि ऑलरेडी मेरे ऊपर भी अटैक हो चुका है ब्लैक विडोज का, जैसे तुम दोनों पे अटैक हुआ था वैसे मेरे ऊपर भी अटैक हुआ था, लेकिन मैंने भी किसी तरह से अपनी लाइफ को बचा लिया और मैं अभी छुप रही हूँ। मलीना ये भी बताती है कि जो डायरेक्टर्स है, जो नया डायरेक्टर आया है रेड रूम का, वो एक तरह का सुपर सोल्जर सीरम बनाना चाहता है रेड गार्डियंस की तरफ से, क्योंकि हमें पता है जो सुपर सोल्जर सीरम का जो कॉपी था जो रशिया के अंदर बनाया गया था कैप्टन अमेरिका को कॉपी करके, उसके अंदर भी जो सीरम था वो निकालना चाहता है रेड रूम का डायरेक्टर, और उसके लिए उसको जरूरत है रेड गार्डियन की, जो कि डेफिनेटली आपको पता है कि इस मूवी के अंदर कैप्टन अमेरिका का एक तरह का रशियन क्लोन होने वाला है। तो मलीना उसको बताती है कि जो रेड रूम का डायरेक्टर है वो जो एक नया सीरम बनाना चाहता है उसके ब्लड से, इसलिए उस पर भी अटैक किए जा रहे हैं, और उनका जो प्लान है वो है सुपर विडोज बनाना। सुपर विडोज बनाने के बाद में वो हाईएस्ट बिडर को सेल कर देंगे और हमें इन सबको रोकना पड़ेगा। यहाँ पर ये प्लान बनने के बाद में नताशा रोमानोव, येलेना और हमारी मलीना का जो कैरेक्टर है वो जाता है अलेक्सी शास्त्रिकॉफ को, यानी कि हमारी जो रेड गार्डन का कैरेक्टर है, यानी हमारे डेविड हार्बर का जो कैरेक्टर है नकली कैप्टन अमेरिका, उसको बचाने जाते हैं। लेकिन वहाँ पर उसको पता चलता है कि ब्लैक विडो और जो लड़ रहे होते हैं टास्क मास्टर, टास्क मास्टर ये कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, और ब्लैक विडो उस कंडीशन में मर नहीं सकती, ये बात नेट को पता चल जाती है। रेड गार्डियन को बचाने के बाद में टीम विडो हाइड करती है अपने एक सेफ हाउस में, और नैट यानी नताशा बताती है सबको कि अब मेरा जो नया प्लान है वो ये है कि हमें रेड रूम को शट करना पड़ेगा और टास्क मास्टर को बाहर बुलाना पड़ेगा ताकि टास्क मास्टर से मैं लड़ूँ, और तुम तीनों ये करना कि रेड रूम के जो डायरेक्टर्स उसको मारना, और साथ ही साथ जो रेड रूम का जो काम हो रहा है, जो नई सुपर विडो बनाई जा रही है, मैं नहीं चाहती किसी लड़की की हमारी ज़िंदगी से खिलवाड़ हो जैसे हमारी ज़िंदगी के साथ हुआ था, और हमें रेड रूम बंद करने हैं। यहाँ पर येलेना, मलीना, एलेक्सी फॉलो करते हैं नताशा को और जाते हैं फटाफट से रेड रूम के नए हेडक्वार्टर के अंदर, जो कि है नॉर्वे के अंदर। वहाँ पर डायरेक्टर्स को पता चल जाता है कि वो आने वाले हैं, और यहाँ पर जो डायरेक्टर है वो निकलता है रे विंस्टोन। रे विंस्टोन एक रशियन मॉबस्टर है जिसकी बेटी, एक तरह से हम कह सकते हैं नताशा ने उसको मार दिया था जब वो रेड रूम के अंदर थी। तो एक तरह से जो कैरेक्टर है जो होने वाला है हमारा डायरेक्टर, वो नताशा रोमानोव से नफरत करता है क्योंकि उसी की वजह से उसकी बेटी मर गई थी, और इसलिए वो उन दोनों को मारना चाहता है। यहाँ पर हम देखते हैं एक नया सीन जिसमें फटाफट से हमें पता चलता है कि टास्क मास्टर टॉर्चर करता है नताशा रोमानोव को, क्योंकि नताशा रोमानोव को पकड़ लिया जाता है, उसके बाद उसको टॉर्चर किया जाता है, और बताया जाता है कि जो टास्क मास्टर है वो एक्चुअली में मेसन का कैरेक्टर है, जो उसकी पूरी तरीके से मदद कर रहा था। यानी मेसन का कैरेक्टर इस लीक के हिसाब से कंफर्म हो चुका है कि टास्क मास्टर होने वाला है। आई थिंक ओटी फैक बैनले प्ले कर रहे हैं उसको, तो वहाँ पर मूवी के अंदर देखना होगा कि कैसा होने वाला है। यहाँ पर पता चलता है कि जो टास्क मास्टर कैरेक्टर है और जो मेसन है वो सेम ही था, और मेसन ब्लैक विडो को बेवकूफ़ बना रहा था और बिल्कुल उसको अपने एक तरह से जाल के अंदर फंसा रहा था, और ब्लैक विडो ये नताशा उस जाल में फंस गई।
उसके बाद हम देख सकते हैं एक सीन यहाँ पर येलेना और एलेक्सी यानी कि रेड गार्डियन और येलेना छोड़ देते हैं बेस को और किसी तरह से बाहर निकलने को होता है, लेकिन उनको धोखा दे देती है मलीना जो कि है हमारी एक तरह से हम कह सकते हैं आयरन मेड इस मूवी के अंदर प्ले कर रही हैं, जो कि एक्चुअली में काम कर रही है जो हमारे रेड रूम है उसके डायरेक्टर्स के साथ में, और बोलती है कि मैं आप इन तीनों को ले लो लेकिन मुझे छोड़ दो, क्योंकि वो भी अपनी लाइफ को बचाना चाहती है। और यहाँ पर ये बहुत ही अमेजिंग सीन हमें देखने को मिलता है क्योंकि इसके अंदर एक बदला या एक तरह का बिट्रेयल हमें देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर हमें यही पता चलता है कि जो मलीना है वो एक्चुअली में नताशा, येलेना और एलेक्सी के लिए बहुत ज़्यादा केयर भी करती है। वो कहती है कि इन दोनों को तीनों को आप कुछ भी करना बट इन तीनों को मारना मत, फिलहाल मुझे जाने दो। बट जो डायरेक्टर होता है यानी कि जो हमारा ड्रेको कैरेक्टर है वो बोल देता है कि मैं अपने हिसाब से जो मर्जी करूँगा, तुम्हें इसके अंदर कोई भी दखलअंदाजी करने की जरूरत नहीं है और तुम यहाँ से अब जा सकती हो। उसके बाद हम देख सकते हैं येलेना को एक ऐसी फैसिलिटी में भेजा जाता है जहाँ पर उसका ब्रेन वॉश किया जाता है, और जो हमारे रेड गार्डियन है उसको एक ऐसी लेबोरेटरी के अंदर ले जाता है जहाँ से उसका ब्लड निकाला जाएगा और जो सीरम उसकी बॉडी के अंदर है, जो सुपर सोल्जर सीरम उसकी बॉडी के अंदर है, उसको एक्सट्रैक्ट किया जाएगा ताकि जो नई सुपर विडोजन को बनाया जा सके। और यहाँ पर हम देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग होने वाला है ये सीन। उसके बाद हम देख सकते हैं जो मलीना है उसका दिमाग चेंज हो जाता है, वो येलेना को बजाने जाती है और फटाफट से सारे के सारे जो कैरेक्टर है यानी कि येलेना, मलीना, नताशा और एलेक्सी ये सारे के सारे फाइट करते हैं। और देखते हैं कि जो फाइट होने के बाद में जो बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर है हमारा रेड गार्डियन, उसको चोट ज़्यादा लग जाती है और बहुत ही ज़्यादा गंदी चोट लगती है, तो यहाँ पर वो मरने वाला हो जाता है। नताशा और जो येलेना है वो दोनों फाइट करती हैं टास्क मास्टर से, लेकिन हमें पता चल जाता है कि सारी की सारी जो ब्लैक विडो है वो उनको एम्बुश कर देती हैं और वो भी उनसे लड़ने लगती है। द ब्लैक विडो मो मेसन ओवरलोड अटैक येलेना टू शूट हिम। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कैरेक्टर है हमारा टास्क मास्टर का, उसके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे वो सारे की सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है और पूरे के पूरे मूव को कॉपी कर सकता है, लेकिन यहाँ पर हो जाता है किसी तरह का प्रॉब्लम और जो नताशा है वो कुछ ऐसा कर देती है जिससे उसका जो टेक्नोलॉजी है वो ओवरलोड हो जाता है और येलेना को मौका मिल जाता है उसको गोली मारने का। वहाँ पर येलेना उसको गोली मार देती है। अब फटाफट से यहाँ से भागने के लिए जो ड्रेको है यानी डायरेक्टर है इस मूवी का या फिर इस रेड रूम का, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है वो फटाफट से एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट बटन दबाता है जिससे सारी की सारी फैसिलिटी फट जाए और वहाँ से भागने का कोशिश करता है। अब यहाँ से वो भागने की कोशिश करता है उस सीरम के साथ में जो कि एलेक्सी के ब्लड से बनाया गया था, बट मलीना जो है वो उसके एक तरह का जो हेलीकॉप्टर है उसके अंदर बम लगा देती है जिससे वो फट जाता है। लेकिन इस प्रोसेस के अंदर जो हमारा एलेक्सी यानी रेड गार्डियन है वो मर जाता है और किसी तरह से सारे के सारे एक्सप्लोजन के अंदर येलेना और नैट सारे के सारे ये दोनों कैरेक्टर हमारे यहाँ से बच के निकल जाते हैं। वहाँ पर जैसे ही वो बच के निकलते हैं उसके बाद हमें देखने को मिलता है जनरल रॉस और अपने आदमियों के साथ वो आता है और फटाफट से यहाँ पे आने के बाद वो दोनों को पकड़ने की कोशिश करता है। येलेना लीव्स विद द ब्लैक विडो टू हेल्प द बैक इन द वर्ल्ड। अब यहाँ पे जो येलेना है वो बोलती है कि मैं इन सबको संभाल लूंगी, तुम किसी तरह से यहाँ से बच के निकल जाओ, और वहाँ से वो बच के उसको निकाल देती है। अब यहाँ पर जो नताशा है वो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं मैं बच के निकल जाऊंगी, लेकिन यहाँ पर हमें एक सीन देखने को मिलता है जिसमें जो रॉस के जो बंदे हैं या फिर जो एक तरह कह सकते हैं हम जो रॉस अपनी पुलिस लेके आया है जनरल रॉस, वो नताशा को यहाँ से पकड़ लेता है और उसको भेज देता है न्यूयॉर्क सिटी के अंदर। यहाँ पर वो जेल के अंदर चली जाती है लेकिन उसको बचाने कौन आता है, हॉकाय, और यहाँ पर हॉकाय उसको बचाने के लिए आता है और आफ्टर दैट वो ज्वाइन कर लेती है सीक्रेट अवेंजर्स और यहाँ से हमारी कहानी कंटिन्यू होती है इन्फिनिटी वॉर में, जिसमें नताशा के बाल जो थे वो वाइट कलर के थे और वो एक तरह से अंडरग्राउंड हो रखी थी ताकि किसी को पता ना चले कि वो कहाँ पे है, और यहाँ पे होता है हमारा पूरा का पूरा ब्लैक विडो मूवी का प्लॉट खत्म। अब गाइस इस प्लॉट के अंदर मुझे, मैं जैसे आपको बोला कि थोड़ी भी सच्चाई हो सकती है थोड़ी नहीं भी हो सकती है, अगर हम इसको पूरी स्टोरी से, ट्रेलर से और टीवी स्पॉट से मैच करें तो कहीं ना कहीं 60-70% तो इसके अंदर सच्चाई है ही, बट अगर ये मूवी बनके भी आती है तो इट्स गोइंग टू बी समथिंग अमेजिंग। अब ये बात हम ऑलरेडी जानते हैं कि ब्लैक विडो मूवी इस साल अप्रैल के अंदर आने वाली थी यानी इस महीने आने वाली थी, बट वो डिले हो गई है, अब वो नवंबर 6 को आएगी जो कि बहुत ही बुरी बात है। और अगर आप सारी मूवीज़ के बारे में जानना चाहते हो तो मेरी आई बटन पर क्लिक कर लेना वीडियो और वो भी देख लेना। अब अगर इतनी वीडियो देख ली है आपने, 13 मिनट की वीडियो हो चुकी है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना बिकॉज ऐसी अपडेट आती रहेंगी जल्दी, अब जल्दी जल्दी मूवीज आने वाली हैं तो सबकी अपडेट मैं आपको देता रहूंगा, साथ ही साथ डिज्नी प्लस के शोज की भी अपडेट इस चैनल पे आती रहेगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। आई नो ये जो प्लॉट थ्योरी है बहुत ही अमेजिंग थी, और अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ में ताकि उनकी मूवी भी खराब कर सको। शेयर करने का बटन नीचे आपको मिल जाएगा, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट ग्रेट मार्वेलस डे।